प्रभारी सरदार जरनैल सिंह जी, सह प्रभारी राघव चड्ढा जी, यहाँ पे आए हुए सभी आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता, सभी मीडिया के साथी, और आज मीडिया के जरिए पूरे देश भर में और पंजाब के कोने कोने में जो भी लोग ये कार्यक्रम देख रहे हैं, सब लोगों को मेरा नमस्कार, सबको मेरा सत श्री अकाल। आज पंजाब के लिए एक ऐतिहासिक दिन है, कई मायनों में ऐतिहासिक दिन है। पंजाब में आम आदमी पार्टी का सीएम चेहरा कौन होना चाहिए, इसका हर पंजाबी को, हर पंजाब के व्यक्ति को बड़ी बेसब्री से इंतजार है। कई महीनों से लोग, मैं जहां भी जाता था एक ही प्रश्न पूछते थे, जी दूल्हा कौन है, आम आदमी पार्टी का सीएम चेहरा कौन है। तो मैं सबको यही कहता था, सबर रखो, सबर का फल मीठा होता है। आपको हम ऐसा चेहरा देंगे जिस पे हर पंजाबी को गर्व होगा। तो आज वो घड़ी आ गई है उसका ऐलान करने की। हमने सीएम चेहरा ढूंढने के लिए एक अलग प्रक्रिया की। पंजाब के अंदर हमने देखा कि दूसरी रवायती पार्टियां जो हैं, कोई अपने बेटे को सीएम चेहरा बना देते हैं, कोई अपने बहू को बना देता है, कोई अपने घर के आदमी को बना देता है। भगवंत मान जी मेरे छोटे भाई हैं। मैं अगर खुद भगवंत मान जी का नाम डिक्लेयर कर देता तो कहते हैं केजरीवाल ने अपने भाई को बना दिया, केजरीवाल ने भाई भतीजावाद कराया, जैसे दूसरी पार्टियां करती हैं वैसे केजरीवाल ने करा। तो हमने कहा नहीं, ऐसे नहीं करेंगे। हम पंजाब के 3 करोड़ लोगों से पूछेंगे कि आप बताओ कि पंजाब का सीएम चेहरा कौन होना चाहिए। तो पिछले हफ्ते हम लोगों ने एक फोन नंबर जारी किया और हमने कहा आप कॉलिंग कर सकते हो, आप व्हाट्सएप मैसेज भेज सकते हो, आप एसएमएस भेज सकते हो। तो हमारे पास 21,59,437 में रिस्पॉन्स आए, लगभग 21,59,437 लोगों ने अपने रिस्पॉन्स दिए। तो एक चीज तो सारे सर्वे भी ये दिखा रहे हैं और माहौल भी ये बता रहा है कि आम आदमी पार्टी की सरकार बनने जा रही है। तो जो सीएम चेहरा अब ऐलान होगा वो एक तरह से पंजाब का अगला सीएम बनने जा रहा है। तो पंजाब के लोगों ने अपना अगला सीएम किसे चुना है, ये जो 21,59,000 वोट आए, जो लोगों ने अपने रिस्पॉन्स दिए, उसमें कई लोगों ने मेरा नाम डाल दिया। मैंने शुरू में ही कह दिया था भी मैं रेस में नहीं हूं, तो उन वोट्स को हमने इनवैलिड डिक्लेयर कर दिया। जिसने कहा भाई अरविंद केजरीवाल, उसको हमने साइड कर दिया, उन सारे वोट्स को जो बचे। उसमें 93.3% लोगों ने सरदार भगवंत मान का नाम लिया। मैं अपनी बात पूरी 2 मिनट, बस 2 मिनट। 93.3% लोगों ने सरदार भगवंत मान का नाम लिया। दूसरे नंबर पे नवजोत सिंह सिद्धू थे, उनको 3.6% वोट मिले। तो आज आम आदमी पार्टी की तरफ से पंजाब के अगले सीएम और आम आदमी पार्टी का सीएम चेहरा औपचारिक रूप से सरदार भगवंत मान को डिक्लेयर करते हुए